हेलो एवरीवन, वेलकम टू उषा किचन। आज की उषा किचन में बन रही है सूजी की बर्फी रेसिपी। ये बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी स्वादिष्ट। जब भी मीठा खाने का मन हो घर पे बनाइए सूजी की बर्फी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सूजी की बर्फी रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है, तो देखते हैं कैसे बनती है। ये बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में घी लेंगे, ये एक कटोरी घी है। और फिर हम एक कप सूजी लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे घी में। हमें घी की मात्रा सूजी की मात्रा बराबर ही रखनी है। और अब हम इसे धीमी आंच पर फ्राई कर सेक लेंगे। सूजी को हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। हम थोड़ा सा इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। ये मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क पाउडर डाला है, इससे मिठाई बिल्कुल बढ़िया बनती है। और चाशनी के लिए हम एक बाउल में एक कप चीनी लेंगे और थोड़ा सा हाफ कप पानी डालेंगे इसमें। और धीमी आंच पे हमें चीनी घुलने तक इसको पकाना है। गैस की फ्लेम धीमी रखनी है। और अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो। हमें पतली चाशनी रखनी है, ज़्यादा मोटी चाशनी नहीं बनानी। हमारी सूजी पक्के गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें चाशनी मिला देते हैं। सूजी में हमारी चाशनी बिल्कुल मिक्स हो गई है। अब ये बर्फी के लिए डो बिल्कुल तैयार है। और अब हम एक प्लेट में घी लगा के लगा लेंगे ताकि हमारी बर्फी चिपे ना। और अब हम इसको प्लेट में सेट कर लेंगे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट लेके गार्निश कर सकते हैं, मैंने तो बादाम से गार्निश किया है। अब हम बर्फी की शेप में इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए हमारी बर्फी कितनी बढ़िया बनी है। अभी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही आसान रेसिपी, आप घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।